Hi, this is Khushboo. Today I'm going to discuss a new topic of class 10th with you, which is areas related to circles. So basically, I'm going to tell you कि इस चैप्टर में आप किन किन चीजों का यूज करेंगे. So सबसे पहले अगर हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर ये आपको पता है कि दिस इज द रेडियस, ये भी रेडियस है. इसके हर पॉइंट को आप ज्वाइन करें तो वो रेडियस ही है. और दिस इज अ कॉर्ड, ये कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, और जो सेंटर से पास कर रही है डायमीटर, वो लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल है. सो इफ आई टॉक अबाउट सर्कल का एरिया, अगर हम देखें एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया, ये फॉर्मूला हम आप बचपन से करते आ रहे हैं, दिस इज पाई आर स्क्वायर. एंड मेक श्योर पाई की वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में गिवन होगी तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप पाई 22/7 यूज करेंगे. अगर क्वेश्चन में गिवन है 22/7 या 3.14, तो जो गिवन होगा वो यूज करेंगे. इन केस गिवन नहीं है तो हम इसको यूज करेंगे 22/7. दिस इज एरिया ऑफ सर्कल. एरिया मीन सिर्फ बीच का पार्ट कितना कवर हो रहा है, दिस इज एरिया. इफ वी टॉक अबाउट पेरीमीटर, सो पेरीमीटर मीन्स आउटर थिंग, जिसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस विच इज 2πr. So, अगर सर्कल की बात की जाए, सर्कल में इसका हाफ कर दे, विच इज सेमी सर्कल. तो सेमी सर्कल का एरिया, सेमी सर्कल का एरिया हमारे पास होता है पूरे सर्कल के एरिया का हाफ, दैट मीन्स 1/2 × πr². और अगर हम सर्कल में चार क्वाड्रेंट्स होते हैं 1, 2, 3, 4, और ये लाइंस कट करती है 90 डिग्री पे, तो हर एक क्वाड्रेंट में 90 का एंगल बनता है. तो इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अगर आपको निकालना हो, सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आप यूज कर सकते हैं पूरे सर्कल के एरिया का 1/4πr². सो ये तो था कि सर्कल में एरिया से पेरिमीटर हम कैसे लेंगे. नेक्स्ट चीज, ये जो आपने पहले नहीं करी हुई, दैट इज सेक्टर. सेक्टर्स हमारे पास दो तरह के, माइनर और मेजर सेक्टर. सो अगर एक सर्कल है, इसमें ये इसका रेडियस है, ये भी रेडियस है, हमारे लेते सर्कल का सेंटर है ये, यहां पर एंगल बन रहा है थीटा. पूरे सर्कल, पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का, यहां पर एंगल है थीटा. हमें एंगल की वैल्यू नहीं पता, बट दिस इज थीटा. ये जो एरिया कवर हो रहा है इस पोर्शन के अंदर, इंक्लूडिंग दिस माइनर आर्क, जो छोटी वाली आर्क है दैट इज माइनर आर्क. ये जो एरिया कवर हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ सेक्टर. इसे हम कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एक्चुअली माइनर सेक्टर का एरिया. तो मुझे इस सेक्टर का एरिया चाहिए जो कि होगा इस पूरे सर्कल के एरिया का कितना पार्ट, जितना डिपेंड करता है ये एंगल है. दैट्स व्हाई हम इसको लिखते हैं थीटा बाय 360. तो दैट डिपेंड्स, ये 90 डिग्री का होता अगर तो ये होता 1/4 पार्ट, ये 60 का होता तो ये होता 1/6 पार्ट ऑफ अ सर्कल, पाई आर स्क्वायर. सिमिलरली एरिया ऑफ मेजर सेक्टर अगर आपको निकालना हो, मतलब बचा हुआ सारा पार्ट, मेजर सेक्टर का कोई थीटा नहीं होता, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, दिस इज माइनर, दिस इज मेजर, ये बाहर का पार्ट. मेजर सेक्टर बन रहा है इस आर्क से, यहां से लेकिन यहां तक की जितनी है मेजर सेक्टर, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है. अब यहाँ पे हमारे पास एंगल नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं पूरे 360 में से अगर मैं ये एंगल हटा दूं तो बचेगा बाकी का एंगल, दैट मीन्स 360 माइनस थीटा बाय 360 जितना भी आएगा इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पूरे सर्कल का इतना पार्ट. सिमिलरली ये हमने निकाले हैं एरियाज. अब हमारे पास बात आती है सेगमेंट की. सेगमेंट इज, ये सर्कल है, ये आपने सेक्टर बनाया था, सेंटर ओ, ये रेडियस है. ये जो माइनर आर्क के बीच में और सर्कल की कॉर्ड के बीच में जो एरिया कवर हो रहा है, दिस इज कॉल्ड सेगमेंट, दिस इज सेगमेंट. सो ये माइनर आर्क इसमें यूज हो रही है, सो वी कॉल इट एरिया ऑफ सेगमेंट. सो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए आप क्या करेंगे, पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर हम इस ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट कर दें, ट्राइंगल को हटा दें, गेट एरिया ऑफ सेगमेंट. सो यहां हम इसको लिखेंगे
So this is area of segment. तो सेगमेंट के एरिया के लिए बेसिकली सेक्टर के एरिया में से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. सो इसको सिंपली अगर आपको लिखना हो तो दिस विल बी सेक्टर का एरिया जो कि हमारे पास होता है पाई थीटा बाय 360 इंटू आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2. So this is theta pi r square by, यहां पूरे में कॉमन है r square, तो अंदर बचता है pi theta by 360 degree minus sin theta by 2 cos theta by 2. So ये r square यहां से कॉमन आ गया. So ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का अगर आप माइनस सेगमेंट निकाल रहे हैं. अगर आपको बाय चांस अगर आपको फाइंड करना हो इसके अंदर, हमें फाइंड करनी है सपोजिंगली, अब से कहा आपको पेरीमीटर फाइंड करना है सेक्टर का. तो सेक्टर का पेरीमीटर मीन्स आउटर थिंग, मतलब ये रेडियस आएगा, ये रेडियस आएगा प्लस ये माइनर आर्क आएगी. सो इस तरह से अगर क्वेश्चन आए तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं. और ये माइनर आर्क थीटा बाय 360 थीटा जितना होगा ऑफ सर्कमफेरेंस का होगा. सो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर माइनस सेक्टर की बात कर रहे हैं, दैट विल बी आर प्लस आर दोनों रेडियस प्लस थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर सर्कमफेरेंस का. दिस इज 2 आर प्लस ये कैंसिल हो गया तो थीटा इंटू पाई आर बाय 180 कैंसिल आउट हो गया. दिस विल बी 180. सो इस फॉर्मूला को यूज करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. सो इस तरह से ये सारे फॉर्मूलाज हैं जो आपके इस चैप्टर में यूज होंगे. सो इन फॉर्मूलाज को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. गुड बाय.